हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स पढ़ो। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में इन्वेस्टिगेटर एग्जाम के लिए मैथ्स के अंतर्गत दिए गए टॉपिक डेरिएबिलिटी यानी कि अवकलनीयता के ऊपर बात करने वाला हूँ। इससे पहले हम लॉगरिथमिक और कंटिन्यूटी टॉपिक के ऊपर बात कर चुके हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। डेरिएबिलिटी यानी कि अवकलनीयता, और इसे आप डिफ्रेंसिएशन भी कहते हैं, जिसे कहा जाता है हिंदी में अवकलन। लेकिन कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएशन उसका होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा उसकी डेरिवेबिलिटी पे, यानी कि वो डेरिवेबल है या डेरिवेबल नहीं है। हमें यही चेक करना है और हम इस चैप्टर में यही सीखते हैं कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अगर है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, और कब नहीं होता है इसके लिए भी कुछ कंडीशन है। होगा तो हम उसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि जिस प्रकार से हम कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट निकालते थे, उसी प्रकार से इस चैप्टर में हमें राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा, और साथ ही साथ उस फंक्शन का एक डिफरेंशिएशन निकलेगा। वो कैसे निकलेगा वो देखिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे कि राइट हैंड यानी कि दोस्तों दाया हाथ वाला। ठीक है, तो अब ये तो देखो, अब ये कोई मतलब इसका शुद्ध हिंदी बताना कोई जरूरी नहीं है कि राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, कुछ चीज़ें तो इंग्लिश में ही चलेगी भाई, वो समझते रहना आप। तो राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि दाएं हाथ का अवकलन। ठीक है, दाएं हाथ का अवकलन यानी कि दाई ओर से जब हम अवकलन करेंगे किसी भी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब देखिए, तो उस ओर जब होगा तो एच टेंडिंग टू जीरो प्लस और फंक्शन ए प्लस एच माइनस फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पर अपॉन में ये एच। ठीक है, यहाँ बात याद रखिएगा कि जो डेरिवेटिव निकल रहा है ये कौन से पॉइंट में निकला है, अभी एक्स इक्वल टू ए के ऊपर। एक्स इक्वल टू ए पर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस एफ ए अपॉन में एच। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं सब सीखेंगे, जो हमारे से पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड चीज आपको याद रखनी है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, अपॉन में माइनस एच। ठीक है, बात समझ में आ चुकी होगी आपको। और अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, तो दोस्तों फंक्शन क्या है, डेरिवेबल है, यानी कि डिफ्रेंसिबिलिटी है, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब ये दोनों निकले और दोनों फाइनाइट भी होनी जरूरी है, ये बात आप याद रखिएगा, और वैसे फाइनाइट ही आएगी जब अगर दोनों इक्वल है तो। ठीक है, तो फाइनाइट होनी भी जरूरी है। ये दो बातें याद रखनी है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूलाज है, इनको हम यूज करना सीखेंगे। अब चलते हैं हम आगे। अब देखिए दोस्तों, यहां पर अब हम सीखते हैं कि क्या, और इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि मैंने पीछे भी एक कंटिन्यूटी टॉपिक में पॉइंट डलवाया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन हो, चाहे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो, ठीक है, और फिर इसके अलावा आप चाहे तो रेशनल कोई भी फंक्शन हो, चाहे तो फिर इरेशनल कोई फंक्शन हो, और इसी के साथ में कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन हो, और इसी के साथ में और आप ले सकते हैं एक्सपोनेंशियल कोई भी फंक्शन है, तो ये सभी जो है क्या होते हैं, डेरिवेबल होते हैं। क्या होते हैं, डेरिवेबल होते हैं इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स। ठीक है,
डोमेन्स यानी कि दोस्तों इनकी प्रांतों के अंतर्गत पॉलिनोमियल, ट्रिगोमेट्रिक, इनवर्ट ट्रिगोमेट्रिक, रेशनल, इरेशनल, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ये सभी फंक्शन डेरिवेबल होंगे, लेकिन इनकी खुद की जो डोमेन होती है उस डोमेन के अंदर ही ये क्या होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, तो ये केवल इनकी डोमेन में ही डेरिवेबल होते हैं। ये बात आपको याद जरूर रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और लिखिए आप इससे रिलेटेड। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है वो क्या है, डेरिवेबल है किसी पॉइंट के ऊपर, तो दोस्तों ये फिक्स है कि एफ एक्स फंक्शन उसी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यू भी होगा ही होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। मैं लिखवा देता हूँ, इसके तीन केस है, तीनों केस आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले कि अगर फंक्शन डेरिवेबल है, ठीक है, अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो फिक्स है कि वह फंक्शन कंटिन्यू भी होगा ही होगा, लेकिन कंटिन्यू है तो डेरिवेबल हो ये जरूरी नहीं है, उनका इन्वर्स कोई कह नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि अगर फंक्शन दोस्तों नॉन डेरिवेबल है, क्या है, नॉन डेरिवेबल है, तब वह क्या होगा ये कह नहीं सकते, वह कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, ठीक है, ये हम कह नहीं सकते। ये लाइन आपको याद रखनी है कि अगर एफ एक्स डेरिवेबल है तो वह कंटिन्यूअस भी होगा, लेकिन वह कंटिन्यू है तो डेरिवेबल नहीं होगा, उसका क्रॉस कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। नॉन डेरिवेबल फंक्शन है तो वह कंटिन्यू हो सकता है, नीट डिसकंटिन्यू भी हो सकता है, कोई कह नहीं सकते, लेकिन अगर फंक्शन डिसकंटिन्यू है, क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यू है तो वह फिक्स हो जाएगा कि फंक्शन जो जो भी है वह नॉन डेरिवेबल भी होगा ही होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। देखिए मैं पुनः समझा देता हूँ आराम से, और कोई भी फंक्शन डेरिवेबल है तो वह कंटिन्यू होगा ही होगा, ठीक है। कोई फंक्शन नॉन डेरिवेबल है तो वह फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वह नॉन डेरिवेबल होगा, ये कन्फर्म है। और अगर कोई फंक्शन नॉन डेरिवेबल है तो कंटिन्यू भी हो सकता है, डिसकंटिन्यू भी हो सकता है। तो यहाँ ये बात याद रखनी है कि उल्टे जरूरी नहीं है कि सभी सही हो, ठीक है, जो बोला है वही याद रखना। डेरिवेबिलिटी है तो कंटिन्यूटी होगी, नॉन डेरिवेबिलिटी है तो कुछ कह नहीं सकते, डिसकंटिन्यूटी है तो नॉन डेरिवेबिलिटी होगी, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं आगे कि डेरिवेबिलिटी जो है वे किसी अगर पर्टिकुलर इंटरवल के अंतर्गत बात की जाए तब हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, और उसके लिए क्या क्या कंडीशन हमें चेक करनी है। देखिए लिखिएगा दोस्तों, आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। सफलता के नज़दीक पहुंचने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती, ठीक है। देखिए कि कोई भी फंक्शन दे दिया वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई फंक्शन है और ये डेरिवेबल है, इसका जो इंटरवल दिया है वो ए से बी में, ठीक है, कब होगा, इसकी कुछ कंडीशन है, इफ, यानी कि इस इफ का मतलब होता है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि ये तीन कंडीशन पूरी पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो। पहली क्या है देखिए, तो पहली है कि इट इज डेरिवेबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ ए टू बी, ठीक है, ये क्या है मैं बता रहा हूँ अभी। फिर सेकेंड कंडीशन है कि आर एच डी यानी राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करना चाहिए यानी कि होना चाहिए, और वो भी एक फाइनाइट यानी कि निश्चित नंबर होना चाहिए। तीसरा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए नहीं सॉरी, एक्स इक्वल टू बी, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू बी एग्जिस्ट करना चाहिए और फाइनाइट भी होना चाहिए, ठीक है। ये तीन कंडीशन है जो कि किसी भी फंक्शन के डेरिवेबिलिटी
डेरिवेबल होने के जो है निश्चित करेंगे हमारे को, ठीक है। इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में भी बात करूंगा। तो y इक्वल टू एफ एक्स है a से b में, वो डेरिवेबल है या नहीं है, तो उसकी तीन कंडीशन है। वह कब होगा डेरिवेबल? तो पहली कंडीशन कि वह जो है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b, यानी a से b के बीच की संख्याओं में, a और b पे हो नहीं भी हो चल जाएगा, लेकिन a से b के बीच में जितनी भी संख्या उन पे डेरिवेबल होना चाहिए। राइट हैंड साइड राइट हैंड लिमिट डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए ए और बी पॉइंटों के ऊपर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि चेक डेरिवेबिलिटी ऑफ एफ एक्स, एक एफ एक्स फंक्शन है जो कि क्या कहता है दोस्तों, एल एन स्क्वायर एक्स एट एक्स इक्वल टू वन पर चेक करनी है, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पर केवल क्या चेक करना है कि एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आने चाहिए, क्योंकि यहाँ इंटरवल तो है नहीं कि हम दूसरी वाली जो पहली कंडीशन मैंने बताई है ओपन इंटरवल ए टू बी में चेक करना पड़े। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलता है, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो प्लस, ठीक है, और फिर f ऑफ वन माइनस h माइनस f ऑफ वन। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था f ऑफ a माइनस h, तो a क्या है दोस्तों, वन है यहाँ पर, तो f वन माइनस h माइनस f वन अपॉन में h, ठीक है, सॉरी यहाँ पर माइनस एच, तो यहाँ जीरो शायद ये माइनस में आएगा दोस्तों, हमने गड़बड़ कर दी है, ठीक है, इसके ऊपर आप माइनस लगा दीजिए क्योंकि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, तो ये माइनस। अब क्या होगा, एफ ऑफ वन माइनस एच, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो एल एन स्क्वायर एक्स थी, तो एल ऑफ वन माइनस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वन माइनस एच आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों एफ ऑफ वन यानी कि एल एन वन, और एल एन वन क्या आता है, जीरो, क्यों, एल एन वन का मतलब क्या हुआ, लॉग है, बेस ई है और पावर वन, तो इसकी वैल्यू तो क्या होती है, जीरो, तो ये हो गया जीरो अपॉन में माइनस एच, तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब करते हैं आगे सॉल्व। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको हमें सॉल्व करना है, और ये बन रहा है, आपको पता है कि एल एन एक्स अपॉन में एक्स की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर एल एन एक्स अपॉन में एक्स की वैल्यू कितनी होती है, आप बताइए मुझे कमेंट करके, जल्दी बताइए, ठीक है, जल्दी बताइए। जब लिमिट पे बात कर रहा था मैंने आपको जो है पीछे ये फॉर्मूला बताया हुआ है कि जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो हो और एल एन एक्स अपॉन में एक्स आ जाए तब क्या होता है, आप जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, मैं देख रहा हूँ, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों जब तक आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, आप नहीं पढ़ेंगे, तब तक क्या फ़ायदा है मेरे वीडियो डालने का, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, बस मैं नहीं जानता, आप जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, मैं देख रहा हूँ वीडियो, मैं लगातार देखे जा रहा हूँ, ठीक है, जल्दी बताइए, कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि आपको याद नहीं है पहली बात, तो एल, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल एन एक्स अपॉन में एक्स बनाना भी तो पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि इसका मल्टीप्लाई एक और एच से करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी एक एच और ला देते हैं, और वो भी माइनस का ही लाएंगे हम ताकि काम बना रहे, ठीक है। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एल एन स्क्वायर वन माइनस एच अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है, और जो मल्टीप्लाई में माइनस एच है वो एजिटिज रहेगा। अब आप लोग जानते हैं कि ये वैल्यू हो जाती है वन, ये जैसे ही दोस्तों वन हुई और एच की वैल्यू क्या है, टेंडिंग टू जीरो है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या देंगे हमें, जीरो, ठीक है।
इसी प्रकार से अब हम निकालेंगे आर एच डी, क्या निकालेंगे आर एच डी, आर एच डी का फॉर्मूला क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 हो जाएगा, और अपॉन में भी प्लस का एच आ जाएगा। जैसे ही अब वैल्यू पुट करेंगे तो एल एन स्क्वायर 1 प्लस एच माइनस, ये तो 0 ही होना है, अपॉन में एच, और एक एच का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों, और यहाँ पर भी एक एच हो जाएगा, ये वापस से दोस्तों जैसे ऊपर सॉल्व हुआ है 1 हो जाएगा, और ये भी 0 ही आएगा। दोनों जब 0 0 आ गए तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो गई दोस्तों, कि एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, और जब एल एच डी और आर एच डी इक्वल हो तो वो क्या हो जाता है, डेरिवेबल हो जाता है। ठीक है, तो हमने एक फंक्शन को डेरिवेबिलिटी शो करता है या नहीं करता ये सीखा है। ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो एल एन स्क्वायर एक्स का जो ग्राफ होता है दोस्तों वो आप याद रख सकते हैं, मैथ में ये केवल यूं ही बता रहा हूँ आपको, ये इस टाइप से बनता है। ठीक है, इस टाइप से ये ग्राफ किसका है, एल एन स्क्वायर एक्स का, तो आप लोगों ने देखा होगा ये डेरिवेबिलिटी। ठीक है, डेरिवेबिलिटी के ऊपर हमने बात करी, अब हम चलते हैं दोस्तों एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज के टॉपिक को। डेरिवेबिलिटी के अंतर्गत, डेरिवेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है ये चेक करना। ठीक है, हमने क्या करा, सबसे पहले तो सीखा कि राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लिखा लिमिट एक्स टेंडिंग टू एच प्लस और एच टेंडिंग टू 0 प्लस, और फिर एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमने क्या करा, एच टेंडिंग टू 0 माइनस, ठीक है, और एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में माइनस एच। और फिर मैंने क्या बोला कि कोई भी फंक्शन डेरिवेबल तब ही होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ जाए और फाइनाइट भी आए। ठीक है, तो 0 0 आ गया था, इक्वल ही थे और फाइनाइट भी है वो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा पॉलिनोमियल, ट्रिगोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक, रेशनल, इरेशनल, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, डेरिवेबल होते हैं, इनकी खुद की जो डोमेन होती है उसमें। कोई फंक्शन डेरिवेबल होगा तो वह कंटिन्यू भी होगा, कोई फंक्शन कंटिन्यू है तो डेरिवेबल होगा ये जरूरी नहीं है, कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो जरूरी है कि नॉन डेरिवेबल होगा, लेकिन कोई फंक्शन नॉन डेरिवेबल है तो जरूरी नहीं है वो कंटिन्यू होगा या डिसकंटिन्यू होगा, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, फिर हमने एक कोई भी फंक्शन है उसकी ए से बी एक इंटरवल के अंतर्गत अगर मैं पूछा जाए कि वो डिफ्रेंसिबिलिटी शो करेगा या नहीं करेगा तो हम उसके बारे में सीखा। उसके लिए तीन कंडीशन बताई मैंने आपको कि वह एक तो ओपन इंटरवल के अंतर्गत जो है डेरिवेबल होना चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है, फिर दोस्तों हमने बोला कि राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों जो है दोस्तों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए और एग्जिस्ट भी करने चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो हमने सीखा कि क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत एक पॉइंट एक्स इक्वल टू ए के ऊपर हमें डेरिवेबिलिटी चेक करनी है कि वह डिफरेंशिएबल है भी या डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमने क्या करा, लिमिट निकाली, मतलब डेरिवेबिलिटी निकाली लेफ्ट हैंड साइड से, और फिर हमने लेफ्ट डेरिवेटिव निकाला राइट हैंड साइड से, दोनों की वैल्यू 0 0 आई, और इस प्रकार से हमें पता चला कि वो जो है दोस्तों क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अब कल नेक्स्ट क्लास की ओर, और मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए थोड़ा हो सकता है कोई मिस्टेक हुई हो या स्लो बोल रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छी क्लास और इससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे।